नमस्कार, डेली मिरर में आपका स्वागत है। मैं सोनाली, आइए देखते हैं आज की अहम। होटल प्रबंधक की लापरवाही से युवक ने पानी की जगह पिया एसिड, युवक की हालत गंभीर। भागलपुर स्टेशन चौक रेस्टोरेंट संस्कार होटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाराहट की एक महिला सरिता देवी अपने पति का पैरालिसिस इलाज कराने के लिए संस्कार होटल में ठहरी थी, साथ में बेटा रणधीर भी था। इस दौरान रणधीर को प्यास लगी और अपनी प्यास बुझाने को लेकर काउंटर पर बैठे होटल के मैनेजर से पानी की मांग की। मैनेजर लापरवाही बरतते हुए काउंटर के पास रखे बोतल लेने को कहा। एसिड और पानी दोनों का बोतल होने के कारण युवक ने पानी की जगह एसिड वाला बोतल लेकर चला गया और पानी के बदले एसिड पी लिया। पीते ही रणधीर की हालत गंभीर हो गई, जिसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हालत को गंभीर देखते हुए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया है, जहां हालत नाजुक बताया जा रहा है। वहीं पीड़िता सरिता देवी द्वारा होटल के मैनेजर के खिलाफ कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि एसिड मामले को लेकर भागलपुर में कुछ दिन पहले भी एक मासूम की जान चली गई थी, जिसको लेकर शहर में भारी हंगामा हुआ था। बावजूद होटल मालिक पर लापरवाही बरतने से नहीं बरत रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ढुलमुल रवैये से एक युवक की जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अब सवाल उठता है कि प्रबंधक द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है, और अगर युवक की मौत हो जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। संस्कार होटल 101 रूम नंबर आए, उसको प्यास लगा था, पानी मांगे, काउंटर पर पानी नहीं था, कोई सुना नहीं, आके अपने से आवाज़ दिए बाहर, बोले काउंटर पर पानी रखा हुआ है, ले जाओ। वो पानी का बोतल में सर तेजाब था, वही तेजाब आपका लड़का पी लिया? जी, वही लड़का मेरा तेजाब पी लिया। वो पता नहीं चला कि पानी है या तेजाब है? नहीं, शुद्ध बोतल में पानी। उसका इलाज अभी कहाँ चल रहा है? उसका इलाज अभी सिलीगुड़ी में चल रहा है। क्या सीरियस हालत है? पारामाउंट सिलीगुड़ी। जब आप लोग बोले, कंप्लेन किए होटल मालिक को, जी पानी के बदले आप एसिड पिला दिए, क्या बोला? हम लोग का गर्मी दिखाने लगे। जी, क्या बोला तो उसके बाद ही बोले जी कि पानी के बोतल में शुद्ध था तो कैसे ले गए? बोले आप आवाज दिए तो ले गए, प्यास लगा था तो ले गए। तो इसका क्या करना था कि नहीं, हम लोग नहीं दिए हैं, हमने बोला आप ही का गलती है, हमारा गलती नहीं है। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? नया चाहते हैं, मतलब होटल मालिक पे कार्रवाई हो? जी, उनके लापरवाही से मेरा बेटा सीधा। क्या नाम है पेशेंट का? रणधीर कुमार पप्पू कुमार। आपका नाम क्या है? थाना बारह कोशीपुर थाना बंद। तो आप FIR किए? जी, थाना में दे दिए। बहुत आवेदन दे दिए। थाने से क्या आश्वासन मिला? थाने से बोला कि कल मैंने आवेदन जमा ले लिए हैं, कल FIR करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए डेली मिरर को सब्सक्राइब करें एवं हमेशा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।